अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना होगा। आप सही कह रहे हैं, अब मैं सिर्फ आप पे नजर रखूंगा, सिर्फ आप पे। चौधरी आओ, डरो मत, ये हमारा ही आदमी है, हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब इन्हीं के ऊपर है। वैसे भी ज्यादातर पुलिस वाले बड़े लोगों के बॉडीगार्ड ही होते हैं। यूं तो ये सिर्फ 15 दिनों के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब तो सारी जिंदगी मेरा बॉडीगार्ड बनकर ही रहना पड़ेगा। आओ चौधरी आओ। एसीपी अभय प्रताप सिंह, सरकारी नौकरी करते हो तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है, मन से काम करोगे तो मैं तुम्हें बख्शीश दूंगा, जैसे मैं अपने सारे वॉचमैन को देता हूं। और हां, अगर हमारी मीटिंग रात भर चलती रही तो तुम रात भर इसी तरह खड़े रहोगे। होशियार, वेरी गुड। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी राणा साहब। आपने तो सचमुच उसे वॉचमैन ही बना दिया। देखते रहो उसे क्या क्या बनाता हूँ। थैंक यू राणा साहब। इस देश का कमाल का कानून है, हम जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे ही देखिए राणा साहब, 5-6 मर्डर करने के बावजूद भी इज्जत की जिंदगी जी रहा। हम उसके साथ जो चाहे जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। Cheers. Cheers. राणा साहब, ये बात उस लड़के को बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। हम उसके साथ जो चाहे जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। बॉडीगार्ड, तू इसके साथ है इसका मतलब तू भी एक मुजरिम है, और कानून को गाली देकर तूने अपनी मौत जस्टिफाई भी कर दी है। तुमने इसे मार डाला? हाँ, मार दिया। तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। और मेरा जवाब होगा कि इसने महेंद्र सिंह राणा को मारने की कोशिश की, इसीलिए मजबूरन मुझे इसे मारना पड़ा। मैं चाहूं तो तुझे अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूं। अपने जवाब में मुझे सिर्फ इतना और जोड़ना होगा कि इसने महेंद्र सिंह राणा को मार दिया और जवाबी कार्रवाई में मैंने इसे मार दिया। लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझ पर है, और जब तक तू मेरे साथ है तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं इसी तरह एक एक करके तेरे सारे आदमियों को मारता रहूंगा तेरी आंखों के सामने। क्या कहा था तुमने राणा, जिंदगी भर अपना बॉडीगार्ड बना के रखोगे? मैं तैयार हूं, तुम सोच लो, क्योंकि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं तुम वहां से सोचना शुरू करते हो ना। तुम
इंस्पेक्टर तांबे। आइए 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 राणा साहब आइए। नमस्कार। बहुत लकी हैं आप, आपने ठीक समय पर पुलिस प्रोटेक्शन मांगी, वरना वेल डन अभय। थैंक यू सर। बैठिए। मैंने आपसे कहा था ना राणा साहब कि अभय के साथ रहकर आपको पुलिस वालों की असली ताकत का पता चलेगा। लगता है सर राणा साहब बहुत डर गए हैं। अपनी मौत को इतने करीब से देखने के बाद डरना नेचुरल है सर। क्यों राणा साहब? हाँ नहीं वो एक्चुअली अब डरने की कोई बात नहीं है, खतरा टल चुका है। नाउ यू कैन रिलैक्स। वैसे वो था कौन? वो पता नहीं अचानक मेरे कमरे में घुस गया और रिवॉल्वर तान ली सर। मैं जरा सा चूक गया होता तो इनका खेल खत्म था, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक आपके खेल को खत्म नहीं होने दूंगा। आपको किसी पे डाउट है राणा साहब? दरअसल कमिश्नर साहब बात यह है कि अरे रुक क्यों गए, बोलिए ना राणा साहब बोलिए। हाँ हाँ बताइए। मैं आपसे यह कहने आया था कि मुझे अब पुलिस प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। What? या क्या कह रहे हैं राणा साहब? आप तो मुझे अपने साथ जिंदगी भर रखने वाले थे और आपने ये भी कहा था कि मैं मन लगा के काम करूंगा तो आप मुझे बख्शीश भी देंगे, लेकिन आप तो मुझे हटा रहे हैं राणा साहब। वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस प्रोटेक्शन लेने की वजह से ही मुझ पर हमला हुआ था, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ कोई पुलिस अफसर रहे। आप ये प्रोटेक्शन विड्रॉ कर लीजिए प्लीज। देखिए हमला दोबारा भी हो सकता है। मैं होशियार रहूंगा, बट आई डोंट वॉन्ट एनी पुलिस प्रोटेक्शन। जैसे आप चाहें, आपकी मर्जी है, इट्स योर लाइफ। थैंक्स कमिश्नर, अब मैं इजाजत चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू राणा साहब। मैं आपसे दूर रहकर भी आपके पास रहूंगा, डोंट वरी। देखा संजना, राणा को सीधा कर दिया। क्या दिमाग है मेरे पास? सिर्फ दिमागी है या दिल भी है? क्या बात कर रही हो, चीर के दिखाओ क्या? पुलिस ऑफिसर हो ना, हमेशा चीर फाड़ की बातें करोगे। अरे कभी तो रोमांटिक बातें करो, कॉम्प्लीमेंट मी, प्रेज मी। ओके ओके ओके, समझ लो कि रोमांटिक हो गया। ब्यूटीफुल, क्या बाल है, क्या चाल है। हाय हाय हाय, आई एम अभय, प्लीज टू मीट यू। आपका नाम? Sanjana, that's my name. Kamal ho gaya. Sanjana. I'm sorry. I know this Sanjana. I don't know you. Have to go. Bye. Rat. Stupid. Arey, aaiye Rana saab, aaiye, aaiye. Arey, Rana saab, aaiye, aaiye, aaiye. Kya baat hai? Thank you. Kya takdeer paayi aapne sir? Har taraf aapke hi charche ho rahe. Aapne to maut ko bhi hara diya. Inhone nahi sir, us police wale ne. Agar wo nahi hota na, तो आज हम राणा साहब के बचने की खुशी में नहीं मरने के गम में पी रहे हैं। सो तो है। राणा साहब जरा डिटेल में बताइए, बड़ा मजा आएगा। आप घर पर अकेले थे, रात थी, फिर बादल, बिजली, बरसात, फिर अरे पाठक साहब छोड़ो इन बातों को, जो हो गया सो हो गया है, छोड़ो छोड़ो। आइए आइए राणा साहब, कौन है ये एसीपी, क्या नाम है उसका, कहो तो उसका प्रमोशन करवा दे। आकाश मुझे तुमसे बात करनी है। अरे अब किस बात का प्रॉब्लम है राणा साहब, व्हाट्स द प्रॉब्लम, टेंशन किस बात का है? आप कहें तो पूरी पुलिस फोर्स को आपकी सिक्योरिटी पे लगा दूं। अरे होम मिनिस्टर हूं मैं, होम मिनिस्टर शरद चंद्र अगाशे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन राणा साहब मुझे डिटेल में बताइए कि हुआ क्या है, जरा डिटेल में बताइए। रात थी, बरसात थी। पाठक साहब, पाठक साहब आपका ड्रिंक खत्म हो गया, आप ड्रिंक लीजिए। आइए आइए ड्रिंक लीजिए पाठक साहब। तुम्हारी जान बचाई? उसने मेरी जान नहीं बचाई, उसने मेरे आदमी को मार डाला। तुम्हारा आदमी? जिसे उसने मारा वो तुम्हारा आदमी था? हाँ हाँ, ये सब बातें बाद में समझाऊंगा, इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कल से वो एसीपी इस शहर में नहीं दिखना चाहिए। राणा साहब ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, होम मिनिस्टर हो ना तुम। लेकिन पब्लिक की नजर में उसने तुम्हारी जान बचाई है, अगर मैं उसका ट्रांसफर करवा देता हूँ तो हंगामा मच जाएगा। नहीं 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 राणा साहब, तमाम तरह की बातें शुरू हो जाएंगी, और वैसे भी सबको पता है कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती है। इसके अलावा वो पुलिस कमिश्नर का लड़का है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी राणा साहब, तुम भी फंसोगे और मैं भी। उस अकेले एसीपी का ट्रांसफर करोगे तो लोग बातें करेंगे, माना, पर अगर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को इधर से उधर कर दो तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे अफसरों को एक साथ ट्रांसफर करो, बस बात बन जाएगी। क्यों